हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। अरे मतलब मैंने निब्बा निब्बियों को रोस्ट क्या करना छोड़ा, इन लोगों ने तो अपने जैसा 10-12 और पैदा कर दिए बे। गिरते गिरते बची हूँ मैं। Alright, so hello and welcome back to my channel, guys. Guys, after a while, हम निब्बा निब्बी रोस्ट करने जा रहे हैं and I'm very excited. दिखा दिए हम लोग सच है और रियलिटी है। इसको मजाक में कोई नहीं लेना, हम बता दे रहे हैं। अगर आप लोग को फेक लगेगा तो हम लोग दोबारा लाइव टेस्ट करेंगे। तुम लोग लाइव टेस्ट मत करो, लाइव शो करो, वरना हम नहीं मानेंगे भाई। मतलब हम छूने थोड़ी जा रहे हैं, क्या पता गाइस व्हाइट पेन ड्राइव पे क्या पता लाल मार्कर चला कर दिखा रहे हो, हम छू के थोड़ी देखने जा रहे हैं। तुम लोग लाइव शो करो भाई, मतलब दिखा दो। तो बहुत ज्यादा हम खुश है, बहुत ज्यादा कि कभी हम पापा मानेंगे। अरे होती है, पहले तू ढंग से बच्चा तो बन जा, अपने प्यूबर्टी हिट किया नहीं कि दुनिया में एक बेबी लाने को तैयार है। बढ़िया, जिनकी उम्र है शादी ब्याह की वो बैठ के क्या घास चबाए, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चमनप्राश। माय फास्ट बेबी, कितने फास्ट बहन, 2-3 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। शौक है कि ये है क्या चीज, क्या बात कर रही है चिंकी, हमने तो सिर्फ चुम्मी ली थी है? मैं नहीं मानता भाग। कह दे कि हनी सिंह के गानों की प्लेलिस्ट है इस पेन ड्राइव में। पता नहीं कौन इस लड़की को लिख रहा था, सस्ती सुहाना खान, उस हिसाब से तो लड़का रिंकू सिंह हुआ। आपके बारे में, हाँ इस वीडियो के स्पॉन्सर्स वही है, लेकिन अगर वो नहीं होते तब भी मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करती। अभी तक जितने भी ट्रिप मारे हैं मैंने सारे इस ऐप को यूज करके मारे, बिकॉज दे हैव अमेजिंगली चीप कास्ट फ्लाइट्स एंड होटल डील्स एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर ऑल माय ट्रिप्स, और मैंने बहुत सारे पैसे भी बचाए। आपको तो पता होगा कि कहीं घूमने जाओ तो सिर्फ होटल और खाने पीने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। ये लोग आपको फिल्टर करके सबसे बेस्ट होटल डील, सबसे बेस्ट फ्लाइट डील, सबसे बेस्ट कार डील देंगे, ताकि आप यहाँ वहाँ घूम सको, अच्छा खाना खा सको और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो गाइस लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, गो डाउनलोड दिस ऐप नाउ। बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सिमल जी आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो मनीषा अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट, ये कौन सा गेंग है, इसमें मेरे को भी शामिल कर लो गाइस। दिन रात इनकी बकचोदियां देख के इनका मजाक उड़ाती रहूंगी। हाय 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 हाय, इतना सुकून। #लाइक #ब्लॉग, रानी का बच्चा मिस करेज हो गया एक महीना पहले। पहले अच्छा हाँ, वैसे ही हुआ होगा ना बच्चा। देखा, बोला था ना मैंने, ये झूठो बकचोदी पेल रहे बे, कुछ नहीं होता इनका बच्चा। अपना इतना सा ही निकला पेट वो इस कॉन्फिडेंस से दिखा रही है, जैसे लोगों को लगे कि इसमें बच्चा था, इससे ज्यादा पेट मेरा भात खाने के बाद निकल जाता है। तो मनीषा अभी प्रेग्नेंट है, तो मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी मेरे को बोल रहे उतना आता नहीं। इतिहास गवाह है, जितने भी ऐसे निब्बा निब्बी देखे हैं मैंने, उन सब में लड़का हमेशा गवार रहता है और लड़की तेज। लेकिन लड़की तेज भी कैसी हुई जब इनको शादी ऐसे ही भंग भोसड़ों से करना है। कमेंट करने से पहले यार 10 बार मतलब 10 बार सोचते नहीं हो क्या? हम तो कमेंट करने से पहले नहीं सोचते, पर तुम करने से पहले नहीं सोचते हो क्या? हर महीने खुशखबरी देने चले आते हैं, फिर कुछ बोल दो तो इनका रेडमी रोना शुरू। तो गाइस हम लोग इतना अच्छा मन से जा रहे थे छाटल लाने के लिए, पर बर्ड पागल कुत्ता ने इसको काट दिया जंग में। कहीं वो पागल कुत्ता तू ही तो नहीं? जब मैं इनको टिकटॉक पे देखती थी तब इस लड़के का, सिमल का और मनीषा का चक्कर चल रहा होता है। अभी पता नहीं कौन से ही मल्टीवर्स में चले गए हैं ये लोग, कि मनीषा की शादी किसी और से हो गई है, इसकी शादी किसी और से हो गई है। तो मेरे घर में चपाती नहीं है, तो हम जा रहे फॉर इलाके हैं चपाती लाने के लिए, देखते उसका यहाँ भी है कि नहीं। हमें लाते हैं अपना पहचान से, फिर पूछने में क्या जाता ना गाइस। हाय हेलो, किसी हो? बढ़िया। अच्छा क्या बात, तुम्हारे चपाती है क्या? मर्द तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मर्द हमेशा अपनी पसंदीदा औरत के घर से ही चाय पत्ती मांगता है। ये रात को यूं ही, मतलब ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू अचानक से
मनीषा के घर चला जाता है देखने कि मनीषा क्या कर रही है। तो मनीषा अपने पति के साथ बैठ के खाना खा रही होती और इसको भाव नहीं देती है। और उसका पति तो इसको मुंडे घुमा के देखता भी नहीं है। वो लोग खाना खा रहा है और अभी स्टॉप करती है, मेरी टुकड़े डिक कोई कर बनती है, मेरा डिक कबाब बनने हम आज आते हैं। चलते गाइस, तो खाना खाने थे बाद में आते हैं गाइस, तो चलो हम भी खाना खाते हैं अपने घर में। इसके घर से मनीषा का घर अच्छा खासा दूरी पे है, लेकिन ये फिर भी चल के हमेशा जाता है मनीषा को देखने की क्या कर रही है, क्योंकि इसका पूरा कंटेंट ही यही है, या तो इसकी पत्नी रानी प्रेग्नेंट हो जाती है हर महीने, प्रेग्नेंट हो जाती है हर महीने, और या तो ये मनीषा को कांग्रेस बीजेपी करते रहता है। कांग्रेचुलेशन कैमरामैन, जल्दी फोकस करो, मनीषा का बेबी आ रही है। इसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये खुश किससे है? मनीषा के होने वाले बेबी से। वही दिन रात खेवड़ा जैसे उसी के घर पे पड़ा रहता है, और एक टाइम पे तो ये अपने और मनीषा की हंसी आ रही एक टाइम पे ये अपने और मनीषा की शादी की कहानी सुना रहे थे यूट्यूब पे। नहीं तो जैसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। तो बस इन दोनों की शादी हो गई थी है? मतलब सही में हो गई थी। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि मनीषा बन गई इसकी पड़ोसी और इन लोगों ने कर ली दूसरी शादी, ये हम देखेंगे गाइस दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें कि आपको पार्ट टू चाहिए कि नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, वहां पर भी जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।